गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल सी सुबह हो चुकी है और काफी प्यारा सा दिन है अपने लॉस सैंटोस के अंदर। वाह भाई, मजा आ गया। फटाफट से एक डाइव लगाते हैं अपने स्विमिंग पूल के अंदर, लेट्स गो। अबे स्विमिंग पूल के पानी को क्या हो गया बे? थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब क्या हो गया बे? अरे यार, स्विमिंग पूल का पानी बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। बहुत ज्यादा पुराना मतलब? अरे हाँ यार, पूरे एक हफ्ते से एक ही पानी भरा हुआ है यार इसके अंदर। अच्छा, ये पानी निकाल के भाई नया पानी भरना पड़ेगा। अरे वैसे एक जरूरी काम था यार तुमसे। किसको? अरे लेस्टर को। लेस्टर को मेयर से कुछ जरूरी काम था? अरे हाँ यार, उन्होंने बुलाया है। लेस्टर ने मेयर को बुलाया है? अरे हाँ। लेकिन वो क्यों भाई? वो हमें क्या पता, लेस्टर को कोई अनोखी चीज मिली है उसी लिए। अच्छा, क्या अनोखी चीज मिल गई यार? सुबह सुबह मैंने सोचा था गाइस कि मस्त भाई पानी में एकदम डुबकी उबकी लगाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर और जाएंगे भाई मस्त फिशिंग वगैरह के लिए, बट यहाँ पर सुबह सुबह लेस्टर ने बुला लिया है। अब चलते हैं भाई, क्या सीन हो गया देख के आते हैं। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी निकालता हूँ मैं। अरे हम लोग भी चले क्या? आ जाओ, चलते हैं। चलो तुम लोग भी, दिक्कत क्या है। आ जा भाई चौप, तू भी आ जा। वैसे गाइस ये वाली एसयूवी देख रहे हो तुम लोग, ये एसयूवी है बहुत ही पुरानी और ये ओल्ड मॉडल ओल्ड क्लासिक एसयूवी है। और ये मैंने इसलिए खरीदी है क्योंकि भाई इसका 4x4 बहुत ही ज़्यादा एपिक है यार। लिटरली मैं इस गाड़ी के साथ कहीं भी ऑफ रोडिंग की जा सकती है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये गाड़ी एकदम परफेक्टली चलती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इस पहाड़ पे ऐसे सीधा गाड़ी चढ़ा पाना कितना मुश्किल है, बट इस गाड़ी के लिए मुश्किल नहीं है भाई। ये देखो, आ गए हम लोग सिंपली ऊपर की तरफ। बिल्कुल भी मुश्किल ही नहीं है भाई इस गाड़ी के लिए कोई सी भी चढ़ाई चढ़ पाना। अब जैसे ये वाली देखो भाई, कितनी बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। लेकिन ये गाड़ी, इस वाली गाड़ी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। थोड़ी सी स्पीड के साथ आए तो लो भाई, हो गया काम, आराम से आ गए भाई ऊपर। तो इसीलिए मैंने इस वाली गाड़ी को खरीदा है। पुरानी है बट बहुत ही एपिक है। बाकी अभी तो लेस्टर के पास चलते हैं, देखते हैं उसे क्या ही अनोखी सी चीज मिली है। आ जाओ भाई शिनचैन पिनचैन और चॉप। अबे आ जाओ भाई, कहाँ रह गए? और इसने क्यों गाड़ी रोक रखी है भाई मेरे घर के आगे? निकलना। अरे आ गए यार, चलो चलो। बैठ भाई पिनचैन, फटाफट से बैठ, लेट्स गो गाइस। फटाफट से निकलते हैं लेस्टर के पास, फुल स्पीड। अबे कितनी स्लो गाड़ी है, इनसे तगड़ी तो मेरी एसयूवी है यार। इतनी महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार लेके घूमते हैं ये बंदे लॉस सैंटोस के, जरा सी भी स्पीड नहीं है भाई किसी भी बंदे की। मैं लिटरली मैं पता नहीं कितनी हाई फाई स्पीड में गलियों में भगाता हूँ एसयूवी, और इन बंदों पे स्पोर्ट्स कार नहीं भगाई जा रही, छोड़ो। ओके, फाइनली पहुंचने वाले हैं लेस्टर के घर। इधर से लेफ्ट, और ये रहा भाई लेस्टर का घर। हेलो लेस्टर ब्रो, कैसे हैं हाल चाल तेरे? क्या अनोखी चीज मिल गई तुझे? हेलो लेस्टर ब्रो, क्या मिल गया तुझे? ए, लेस्टर नहीं है भाई घर पे? अबे तो फिर बुलाया क्यों उसने मुझे? अरे यार, घर पे थोड़ी ना बुलाया तुम्हें। तो फिर कहाँ पे बुलाया बे? अरे वो तो एक पुराने से बीच पे बुलाया है यार तुम्हें। ये चीज तो तुम लोगों ने बताई नहीं। अरे तो ये भी कहा कि घर पे बुलाया है। अबे फिर भी बताना तो चाहिए कि लेस्टर ने आखिरकार बुलाया कहाँ पे है। बे मतलब मैं उसके घर पे आ गए हम लोग। अरे हाँ यार, लेकिन बीच पर बुलाया था, ये तुमने पूछा कहाँ? अबे तो तुम लोगों को बताना तो चाहिए था। बे यार कलयुग, आप चलना भाई, देखते हैं बीच पे क्या मिला उसे। यार ये लेस्टर भाई मेयर को क्यों नहीं फोन करता? अरे तुम्हें ही फोन किया था, तुम घोड़े बेच के सो रहे थे इसलिए हमें फोन उठाना पड़ा। अच्छा ये बात है, कौन से बीच पे बुलाया अब ये तो बताओ। अरे इस पहाड़ के पीछे जो बीच पड़ता है। ओके चलो फिर, ज्यादा दूर नहीं जाना है। सही है भाई, अपनी एसयूवी लेकर आया हूँ मैं, आराम से चले जाएंगे पहाड़ के उस तरफ। लेट्स गो, देखते हैं भाई आखिरकार इस लेस्टर के बच्चे को क्या ही अनोखी चीज मिल गई है जिसके लिए उसने मेयर को कॉल करके बुलाया है। लेट्स गो गाइस, चलते हैं इस पहाड़ के उस तरफ। ओके आ चुके हैं हम लोग पहाड़ की दूसरी तरफ। लेकिन ये लेस्टर ने कहाँ पर बुलाया है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई भाई शिनचैन? अरे नहीं यार, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई, बस ये बोला कि वो मेरे घर के पीछे वाले पहाड़ के बीच की तरफ आ जाना। अच्छा पता नहीं भाई क्या है इधर, ऐसा क्या दिख गया उस लेस्टर के बच्चे को कि इधर उसने फोन करके बुला लिया है, वो भी सुबह सुबह ही। ओए वेट, वहां पर कोई है। अरे वो तो लेस्टर है शायद। ओके लेस्टर है तो फिर चलते हैं उसके पास। ओके एसयूवी जंप करवानी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, मैं अपने एसयूवी को तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। आई गेस गाइस हमें गाड़ी को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा और आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे यार लेकिन लेकिन कुछ नहीं बे, मैं गाड़ी जंप नहीं करवाऊंगा, वैसी महंगी गाड़ी है और ओल्ड क्लासिक एसयूवी है, मैं जंप नहीं करवाने वाला। चौप भाई तू यहीं पर है, हम लोग आते हैं फटाफट। चलो आ जाओ बे, पैदल ही चलते हैं।
अरे चलो यार ठीक है। ओके लेट्स गो। पानी के अंदर सबसे पहले तो जंप लगाते हैं, आ गए और इधर की तरफ चलते हैं उस पार। बताओ यार अगर अपनी एसयूवी इधर लेकर आ जाता और डैमेज हो जाती तो। अबे चढ़ भी नहीं पा रहा मैं। ओके आ गए गाइस। अबे ऊपर से तो ये जगह बहुत छोटी सी लग रही थी वहां से। अबे तुम लोग आओ बे, वहीं रह गए तुम लोग। अरे आ रहे हैं यार, डर लग रहा है। अबे डरो मत, आओ। अरे आ गए यार, हम लोग भी आ गए। आ जाओ फटाफट। मैं कह रहा था कि ऊपर से तो ये जगह काफी ज्यादा छोटी सी लग रही थी, यहाँ पे आके ये जगह कितनी बड़ी लग रही है। और वो रहा लेस्टर, क्या कर रहा है ये भाई? ये लेस्टर बिल्कुल ही अजीबो गरीब बंदा है भाई। सब इधर मिट्टी कितनी कीचड़ है भाई, पैर वैर धस गए हैं जमीन के अंदर। और फ्रैंकलिन कैसे हो तुम? अबे तू ये बता, तूने सुबह सुबह यहाँ पर क्यों बुलाया हम लोगों को? ये देखो जरा। क्या देखूं, क्या है ये? क्या लगता है? कोई स्पेसशिप? कोई स्पेसशिप है भाई ये? अरे नहीं नहीं स्पेसशिप नहीं है, कोई बहुत ही अजीबो गरीब सी गाड़ी है, शायद बहुत पुरानी। अच्छा गाड़ी कहाँ से लग रही है भाई? ना कोई व्हील दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तुझे कहाँ से ये गाड़ी लग रही है? अरे यार तो गाड़ी के अलावा और क्या होगा, ये गैस करो। हाँ ये भी सही बात है, गाड़ी के अलावा और क्या होगा, लेकिन भाई तूने गैस कैसे किया कि ये गाड़ी है? बस यार ऐसा थोड़ा फील्स आ रहा है कि गाड़ी वाड़ी होगी ये। हाँ गाड़ी है भाई, आवाज आ रही है मस्त। अरे तोड़ो मत यार, एक तो वैसी वो दबी पड़ी है। तो तूने ये दिखाने के लिए सुबह सुबह बुलाया है? ये दिखाने के लिए नहीं, पहले मेरा पूरा प्लान सुनो। क्या क्या प्लान, क्या है प्लान तेरा? मेरा प्लान ये है कि क्यों ना हम लोग इस गाड़ी को बाहर निकालें और इसको मस्त रिपेयर करवाएं, फिर अपग्रेड करवाएं और फिर मस्त इसको बेच डालेंगे हम लोग। अबे कौन खरीदेगा ये फालतू की गाड़ी? अरे यार पहले उसे बाहर तो निकालो, बहुत तगड़ी दिखेगी ये। तुझे कैसे पता? अच्छा एक बात बताओ, ये इसका कौन सा पार्ट जमीन से बाहर निकला हुआ है, बता सकते हो तुम? नहीं भाई नहीं बता सकता। तो तुम इसी बात से अंदाजा लगाओ कि ये गाड़ी अंदर से कितनी यूनिक होगी, जब तुम एक पार्ट नहीं बता सकते कि ये गाड़ी का कौन सा पार्ट है। बात में दम तो है यार लेस्टर की। अरे हाँ यार बात तो सही है, ये गाड़ी अंदर से होगी बहुत ही ज्यादा तगड़ी यार, पूरा बाहर निकाल के चेक करें क्या? लेकिन बाहर निकाले कैसे? अरे तुम आए किससे हो? मैं आया हूँ भाई अपनी गाड़ी से। तो उस गाड़ी को वहीं क्यों छोड़ दिया, लेकर आओ यहाँ पे। अबे लेकिन, अरे लेकर आओ यार, इस गाड़ी को बाहर निकालना है। तू किससे आया भाई लेस्टर? मैं तो पैदल आया हूँ। पैदल पूरा पहाड़ उतर के? और क्या, ये बिल्कुल अलग ही नमूना है यार। चल लेकर आता हूँ गाड़ी। वैसे तू यहाँ पर करने क्या आया था बे? अरे ऐसे ही यार, मैं तो इधर ट्रैकिंग करने के लिए आया था। लोग ट्रैकिंग के लिए माउंट चिलियाट पे जाते हैं, तू यहाँ आता है? अरे माउंट चिलियाट पे बहुत भीड़ होने लग गई है आजकल, इसलिए इधर आया था मैं। ओ तभी तुझे ये गाड़ी मिल गई। बिल्कुल, चलो बाहर निकालते हैं उस गाड़ी को। पूरा रिस्क लेना पड़ेगा गाइस, मुझे अपनी क्लासिक एसयूवी को जंप करवाना पड़ेगा। हेलो भाई चौप, आ गया मैं। यार कलुआ यार तू इस गाड़ी को ले जा रहा है, टूट फूट गई तो टूट गई तो टूट गई भाई। इस गाड़ी से भी महंगी गाड़ी वहां पर दबी पड़ी है, शायद वो बहुत ही ज्यादा महंगी हो, उसके लिए इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। चौप, ओके ओके नाइस जंप। ओके आ गए आ गए आ गए, कुछ नहीं टूटा, सब कुछ टूट गया, दरवाज़ा उखड़ गया यार इसका लेफ्ट वाला, बट कोई बात नहीं, गाड़ी भी एकदम फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है। काफ़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। चल भाई कलवे, चलो यार खींच दो इस गाड़ी को बाहर। ठीक है बांधो भाई, रस्सी वस्सी है गाड़ी के अंदर, रुक जाओ भी अटैच करके खींचता हूँ बाहर। लेट्स गो। ओके वेट व्हाट, अरे भाई साहब ये तो पूरा बैटमैन वाली गाड़ी का फील आ रहा है यार। अरे हाँ यार ये तो बहुत ही ज्यादा एपिक दिख रही है। एपिक की पूछो ही मत, क्या खतरनाक दिख रही है भाई ये गाड़ी। इसके अंदर एक तरफ पहिए हैं, दूसरी तरफ पहिए नहीं है। इस गाड़ी के अंदर 6 पहिए होंगे टोटल, तभी तो 3 व्हील्स हैं और बाकी 3 व्हील्स नहीं है इस तरफ के। भाई लेस्टर यार क्या गाड़ी ढूंढ निकाली है। देखा अब इसको अगर हम लोग रिपेयर करके अपग्रेड करवाएंगे तो सोचो कितनी महंगी बिकेगी। लेकिन इसको यहाँ से ले कैसे जाएंगे भाई? अब उसका जुगाड़ तुम करो। ट्रक लेकर आना पड़ेगा कोई भारी भरकम सा। तो लेकर आओ फटाफट। तो एक काम करो तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अपनी इस एसयूवी को लेकर जाता हूँ और एक ट्रक लेकर आता हूँ बड़ा सा, जिसके ऊपर हम लोग इसे लोड करके यहाँ से ले जा सकें। अरे जल्दी आना यार क्योंकि इसे अपग्रेड भी करना है और रिपेयर भी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो भाई अब वापस से इस गाड़ी को उस तरफ लेकर चलते हैं। पानी क्लियर कर जाएगी ये गाड़ी इस बार, होप की कर जाए। कम ऑन मेरी गाड़ी। और भाई साहब क्लासिक एसयूवी में जान तो पूरी है भाई, कुछ भी कहो गाड़ी मेरी एकदम दमदार है भाई, आ गई इस तरफ आराम से।
चलो फटाफट से एक ट्रक लेकर आते हैं। ट्रक तो यहीं मिल जाएगा, इस वाले पहाड़ के उस तरफ काफ़ी सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पर डेफिनेटली हमें एक वर्किंग ट्रक मिल जाएगा जिसपे ये जो बैटमैन जैसी गाड़ी है ये आराम से आ जाएगी। चलो भाई, वैसे क्या तगड़ी लग रही है वो गाड़ी, सीरियसली मैं, तुम लोग एक बार इमेजिन करो अगर उस पर हम लोग वेपन्स लगा दें, उस पर आगे मशीन गन लगा दें, उसके व्हील्स को एकदम बुलेट प्रूफ बना दें और एकदम तगड़ा सा लुक दे दें, कलर कर दें उसको रेड येल्लो ऐसा कुछ, तो क्या एपिक दिखेगी वो गाड़ी, मज़ा आ जाएगा भाई। चलो फटाफट ट्रक लेकर आते हैं और उस गाड़ी को यहाँ से लेकर चलते हैं। कह नहीं रहा था भाई, पहाड़ के उस तरफ काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है, ये देखो यहाँ पर फैक्ट्रीज है, काफ़ी सारे ट्रेलर्स हैं और यहाँ पर एक ट्रक भी है, इसमें आराम से आ जाएगी भाई वो अपनी गाड़ी। चलो अब ट्रक को लेकर चलते हैं गाइस फटाफट जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। अब दिक्कत ये है कि इस ट्रक को मैं उस वाले आइलैंड की तरफ कैसे लेकर जाऊँ, जंप करवाना पड़ेगा। एक काम करो गाइस, तुम लोग फटाफट से जाकर इस वाली वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस गाइस, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग एक बहुत ही एपिक जंप लगा सके इस ट्रक से। ओके आ गए भाई आ गए, क्या बात है, आज तो सारे व्हीकल्स मेरा साथ दे रहे हैं भाई। ये ट्रक भी हम लोग आराम से लेकर आ चुके हैं। चलो भाई चिंचन पिंचन हट जाओ अब साइड में, क्योंकि इस ट्रक के ऊपर बैटमैन की गाड़ी को रखने की बारी आ चुकी है। चल भाई लेस्टर रखवा फटाफट इसे, तो लेकर जाऊं मैं फिर इसे। अरे मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन। क्या हो गया भाई लेस्टर? देखो हम लोग पैदल आते हैं, तुम तब तक इस वाली गाड़ी को जाओ मस्त इसको रिपेयर करवाओ और अपग्रेड करवाओ। अबे लेकिन रिपेयर तो मैं चल लॉस सेंटोस कस्टम वालों से करवा दूंगा, लेकिन अपग्रेड कहाँ से करवाऊं? अपग्रेड करने के लिए मैंने दो मैकेनिक्स का नंबर तुम्हें और लोकेशन तुम्हें सेंड कर दिया है, तुम वहां पर जाकर इनको रिपेयर करवा लेना। और पैसे तुम दे देना ना यार, बाद में डिस्कस कर लेंगे जब इस गाड़ी को बेचने का टाइम आएगा। ठीक है भाई ठीक है। और तुम लोग यहाँ से जाओगे कैसे? अरे पैदल क्रॉस करेंगे यार और क्या। ठीक है, ऑल द बेस्ट यार। तुम लोगों को भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर शेर वगैरह बहुत घूमते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार, भाई साहब यार कल यार शेरों के बीच में से हम लोग कैसे निकलेंगे, इसलिए तो ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, संभाल के निकलना। चलो भाई अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं इस बैट मोबाइल को रिपेयर करवाने के लिए और साथ ही साथ अपग्रेड करवाने के लिए। मैंने तो सोच रखा भाई कैसा अपग्रेड, कैसे कस्टमाइजेशंस करवानी है एकदम नेक्स्ट लेवल की। इसका कलर तो मैंने डिफाइन कर लिया है गाइस, रेड कलर रहने वाला है, साथ ही साथ येलो कलर भी थोड़ा सा रख देंगे और हल्का सा पिंक कलर का शेड दे देंगे। इसके अलावा व्हील्स इसके और भी एपिक कर देंगे, इसके व्हील्स एक्चुअली मैं बुलेट प्रूफ कर देंगे। और बात की जाए आगे की फ्रंट की, तो फ्रंट इसका और भी इन्हेंस कर देंगे, एकदम अलग ही लेवल का फ्रंट हो जाएगा, थोड़ा अपग्रेड कर दूंगा भाई फील ना आए ताकि बैटमैन वाला, वरने लग रहा है कि भाई बैटमैन से ये गाड़ी चुरा के लाया हूँ मैं। और स्पॉइलर भी बहुत ही एपिक कर देंगे ताकि बढ़िया वाले एरोडायनेमिक्स मिले। आई नो मैं तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत हो भाई, देखते जाओ गाड़ी बहुत ही एपिक बनने वाली है। अभी तो फिलहाल इसको रिपेयर करवाने के लिए लेकर चलते हैं लॉस सेंटोस कस्टम वालों के पास। लेट्स गो भाई लेट्स गो। लॉस सेंटोस कस्टम यहीं पर है? हाँ यहीं पर है, ऊपर लिखा तो है लॉस सेंटोस कस्टम गैराज। चलो भाई यहाँ पर अभी सबसे पहले तो ट्रक से नीचे लेकर आते हैं इस गाड़ी को और यहाँ पर मैं लाया हूँ गाइस पहले रिपेयर करवाने के लिए, फिर बाद में जो लेस्टर ने दो मैकेनिक की लोकेशन दी है वहाँ पर जाएंगे इसे अपग्रेड करवाने के लिए। चलो भाई ये गाड़ी तो आ गई ट्रक से नीचे, आराम से अब इसको लेकर चलते हैं। अरे भाई सब क्या हालत है यार इस गाड़ी की, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ज़मीन के अंदर पता नहीं कितने सालों से दबी होगी ये गाड़ी। चलो इसको लेकर रिपेयर करवाते हैं फटाफट। ओके तो ये जो बैट मोबाइल है फिलहाल अभी रिपेयर हो चुकी है, अपग्रेड कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, सिर्फ और सिर्फ अभी रिपेयर हुई है, देख सकते हो कलर वलर भी कुछ नहीं करवाया है। बट हाँ इसके अंदर मैंने वेपन्स लगवा लिए हैं और ये वेपन सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी मशीन गन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसके अंदर बूस्टर भी हल्का सा मैंने लगवा दिया है गाइस, काफ़ी एपिक हो चुकी है अभी ये गाड़ी भाई, अभी ही बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकने लायक हो चुकी है। लेकिन इसको रिपेयर करवाने में खर्चा आया पूरे 1 करोड़ का, अब इसको कस्टमाइज़ करवाने में आई हैव नो आइडिया कितना खर्चा आने वाला है फिलहाल। ओए 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 ट्रेन भाई आराम से ब्रो।
तो अब इसको लेकर जाने वाले हैं कस्टमाइजेशन के लिए। सबसे पहले लेस्टर ने जो दो मैकेनिक्स के लोकेशन दी है उनके पास चलते हैं। उनमें से सबसे पहले मैकेनिक के पास चलते हैं जिसकी लोकेशन है पलीटो बे की तरफ। तो अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा गाइस, पलीटो बे लेट्स गो। आराम से भाई, पानी के ऊपर से क्या बूस्टर की हेल्प से निकल सकता हूँ मैं? लेट्स सी। आराम से निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते हैं पलीटो बे। ओके, फिलहाल माउंट चिलियार्ड की तरफ पहुंच चुका हूं और माउंट चिलियार्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आ जाता है अपना पलीटो बे। चलते हैं भाई, फिलहाल बूस्ट का काफ़ी एपिक तरीके से मैंने यूज़ किया है इसलिए जल्दी पहुंच चुके हैं हम लोग यहां पर। लेकिन यहां पर कहां भाई, किधर की साइड है वो मैकेनिक? लेस्टर ने बताया कि भाई ये बंदा जो है ये बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स को अपग्रेड और कस्टमाइज़ करता है। फिलहाल दिख जाना चाहिए इधर ही हैवी व्हीकल्स को कस्टमाइज़ करते हुए। ये तो एक फायर स्टेशन है, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा। भाई नज़र तो नहीं आ रहा भाई कोई गैराज वैराज, लोगों से पूछूं क्या? हेलो भाई साहब, इधर कोई हैवी व्हीकल्स को रिपेयर कस्टमाइज़ करता है क्या एक बंदा? हाँ इधर आगे ही है। आगे ही है कहाँ पे? ओ वेट, ओ यहीं पे है, ये तो रहा ये बंदा। अब इधर ही है, हमर वगैरह कस्टमाइज करता है। ओ ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है भाई, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर। बढ़िया। ओ ये भी अच्छी लग रही है भाई, बंदा तो सही है यार, कस्टमाइज तो कर रहा है। ये वाली गाड़ी देखो क्या बेहतरीन लग रही है रेड कलर में, और कितनी लंबी है ये हमर। ओए मैकेनिक ब्रो भाई। यस सर, बोलो कौन हो आप? भाई मेरा काम करना है, जरा उठेगा तू? ओके एक सेकेंड। यस सर बोलो। ये मेरी गाड़ी है, इसको भाई तुझे कस्टमाइज करना है। इसके अंदर भाई एकदम तगड़े वाले वेपन्स लगा दे और इसका कलर चेंज कर दे और पूरा का पूरा ओवरऑल लुक बदल दे। ओके सर हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा भाई? सर 2-3 घंटे। अच्छा और पैसे? 2-3 करोड़, वो तो मैं आपको पूरा कस्टमाइज होने के बाद ही बता दूंगा। ठीक है भाई, वो रही गाड़ी, फटाफट से काम पे लग जा। ओके सर आप वेट कर लो थोड़ी देर। फिलहाल बंदा काम पे लग चुका है गाइस, मैंने वेपन लगाने के लिए भी बोल दिया है, कलर भी चेंज करने के लिए बोल दिया है। कलर भाई तुझे इसका रेड रखना है याद रखियो, और कस्टमाइज करने के लिए बोल दिया है। देखते हैं गाइस किस तरीके से ये बंदा कस्टमाइजेशन करता है, वेट करते हैं थोड़ी देर। काफी ज्यादा देर हो चुकी है ब्रो। भाई ये क्या है? सर आपकी गाड़ी, आप देख सकते हो मैंने पूरा कस्टमाइज कर दिया है। और भाई साहब ये तो पूरा लुक ही बदल गया यार गाड़ी का, और ये रेड कलर है। सर मेरे पास यही रेड कलर अवेलेबल था, एक्चुअली मैं सारा रेड कलर इस वाली गाड़ी पे लग गया था, तो जो मेरे पास बचा था मैंने उसी को कलर कर दिया है। ठीक ही लग रही है गाड़ी, बट क्या ओ तेरी वेपन्स? ये सर दो मैंने मशीन गन्स लगा दी है। अरे वाह भाई, बूस्टर भी है गाइस पीछे, लिटरली मैं क्या कस्टमाइज किया इस बंदे ने। ओ तेरी दोनों मशीन गन क्या पावरफुल तरीके से चल रही हैं भाई। भाई थैंक यू भाई। सर पैसे? अच्छा सॉरी, पैसे की बजाय थैंक यू बोल रहा हूँ। कितना हो गया भाई? सर पूरे टोटल 3 करोड़। ओके ये ले ब्रो तेरे 3 करोड़। 4 करोड़ अभी तक खर्चा हो चुका है गाइस इस गाड़ी पे, अभी तक 1 करोड़ रिपेयर का, 3 करोड़ कस्टमाइजेशन का, और मुझे लगता है अभी और कस्टमाइजेशन की जरूरत है। अभी भी उतनी बेस्ट नहीं बनी है, मुझे सबसे बेस्ट गाड़ी चाहिए। तो इसीलिए गाइस अभी मैं इसे और अपग्रेड करने के लिए जाने वाला हूँ दूसरे मैकेनिक के पास जिसके बारे में लेस्टर ने मेरे को बताया था। तो चलते हैं, उसकी लोकेशन है लॉस सैंटोस का डेजर्ट रनवे, तो उधर चलते हैं देखते हैं कहाँ मिलता है। बाकी ये ऑलरेडी बढ़िया लग रही है, इससे तगड़ी वो क्या कस्टमाइज करेगा यार, मजा आ जाएगा। तुम लोग जाओ गाइस इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम लोग देखना चाहते हो सबसे बेस्ट गाड़ी इस वक्त की। यस जाओ फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चलते हैं इसको भी अपग्रेड करवाने के लिए। इसकी स्पीड तो भाई एकदम ही खतरनाक हो चुकी है अब। ओ भाई साहब, और वेपन्स तो एकदम एपिक ही काम कर रहे हैं। ओके तो रास्ते में मैंने गाइस इस वाली गाड़ी का कलर चेंज करवा दिया भाई, रेड करवा दिया, वो रेड कुछ अलग ही लग रहा था, और ये रेड करवा दिया मैंने लॉस सैंटोस कस्टम वालों से। और अब मैं जा रहा हूँ लेस्टर के बताए हुए दूसरे मैकेनिक की तरफ, और उसकी जो लोकेशन है गाइस वो इसी रास्ते पे है। और इसी रास्ते पे क्या भाई, इधर ही है। वेट, अबे यही है क्या? अबे ये तो कबाड़े वाली दुकान लग रही है। अबे यही है, यही लोकेशन है गाइस। हेलो ब्रो, तू गाड़ी रिपेयर करता है? नहीं कस्टमाइज करता हूँ। अच्छा कस्टमाइज, हाँ तो मतलब कस्टमाइज करता है गाड़ियाँ? बिल्कुल। अच्छा ब्रो ये वाली गाड़ी कस्टमाइज करवानी है मेरे को।
ये तो पहले से इतनी तगड़ी, अब क्या कस्टमाइज करवाओगे इसमें? नहीं, इससे भी तगड़ी बनानी है, इसके अंदर और भी तगड़ी मशीन गन, पूरा लुक चेंज करके एकदम खतरनाक रेड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में, साथ में पिंक कलर के हल्के से टच के साथ इस गाड़ी को तुझे कस्टमाइज करना है। ओके, हो जाएगा, लेकिन पूरे 6 करोड़ लगेंगे। 6 करोड़? लो भाई, हो गए टोटल पूरे मिला के 10 करोड़। 1 करोड़ गया रिपेयर में, 3 करोड़ गए फिर अलग से कस्टमाइजेशन में, और अब ये 6 करोड़ मांग रहा है। ठीक है ब्रो, टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। कर दे कस्टमाइज, देखते हैं गाइस कैसी कस्टमाइज होती है ये गाड़ी। बाकी तुम लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि फाइनली हमें हमारी आज की सबसे तगड़ी और महंगी वाली गाड़ी मिलने वाली है। जब 10 करोड़ का मैंने इस पे कस्टमाइजेशन का खर्चा किया है और ये गाड़ी है अल्टीमेट रेयर, तो भाई ये गाड़ी नहीं भी तो कम से कम 200-300 करोड़ में तो बिकनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, फिलहाल ये बंदा कैसी रिपेयर और कस्टमाइज करता है, लेट्स सी। काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है यार अभी तक। ओए वेट, उसने कर दी कस्टमाइज भाई, ओ इसने कर दी कस्टमाइज, क्या एपिक, क्या तगड़ी, क्या ग्रैंड लग रही है भाई ये गाड़ी। तो कैसा रहा मेरे कस्टमाइजेशन? एपिक भाई, तेरे पैसे देता हूँ मैं, रुक जा। ओके ओके भाई, 6 करोड़ ले भाई, तेरे पैसे तो हो गए, लेकिन ये गाड़ी क्या एपिक हो गई भाई। ब्रो तूने क्या कस्टमाइजेशन क्या किया है इस पे, ये तो पूरी अलग ही लेवल की बन चुकी है भाई गाड़ी। इंटीरियर देखो तुम लोग एक बार इसका, इसका दरवाजा देखो क्या एपिक खुल रहा है भाई। इस गाड़ी को तो अब मेरा बेचने का भी मन नहीं कर रहा है भाई, ये तो स्पेसशिप जैसी पूरी की पूरी गाड़ी लग रही है। सीरियसली मैं, क्या एपिक लग रही है भाई। इस वाली गाड़ी को तुम लोग 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे गाइस, अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ। भाई मेरे लिए तो इस गाड़ी के लिए कोई रेटिंग ही नहीं हो सकती, इतनी एपिक ही लग रही है। और ये मशीन गन देखो भाई, इस बंदे ने ये मशीन गन पूरी बीचों बीच लगा दी है, और जिस डायरेक्शन में चाहे हम लोग उस डायरेक्शन में अभी से फायर कर सकते हैं। ओ भाई साहब, क्या एपिक लग रही है और क्या चल रही है भाई ये गाड़ी, मजा आ गया। फिलहाल तुम लोग जाकर रेटिंग दो भाई, इस वाली गाड़ी को 10 में से तुम लोग कितनी रेटिंग देना चाहोगे, अभी क्या अभी जाकर कमेंट में बताओ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। यस गाइज, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जरा बताओ भाई कमेंट में जाके कि क्या लगता है, इस गाड़ी को हमें खुद रख लेना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। वैसे 10 करोड़ का टोटल खर्चा है, 1 करोड़ रिपेयरिंग में, 3 करोड़ कस्टमाइजेशन में, फिर 6 करोड़ अलग से कस्टमाइजेशन में, लेकिन बहुत एपिक बन चुकी है। मुझे नहीं लगता लॉस एंड ऑस में किसी ने ऐसी गाड़ी देखी भी होगी कभी। इसके व्हील देखो पूरे बुलेट प्रूफ हो चुके हैं, पिंक कलर की हल्की सी ऐसे टिंट है, रेड कलर की एक गाड़ी है, हल्का सा येलो कलर का भी टच है, साथ में इसके ऊपर काफी तगड़ी वाली मशीन गन लगी हुई है जिससे ट्रैक्टर वाले कभी भी ट्रैक्टर उड़ा सकते हैं हम लोग। भाई साहब बहुत पावरफुल बन चुकी है ये गाड़ी, ये तो मिलिट्री वाले खरीद लेंगे भाई मेरे से। सीरियसली मैं, इतनी पावरफुल बन चुकी है, मिलिट्री वाले मेरे से मांग कर देंगे कि भाई ये वाली गाड़ी हमें चाहिए। और तुम लोग बताओ जाकर गाइस कमेंट में, क्या इस गाड़ी को हमें बेचना चाहिए या फिर खुद के लिए रख लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई खुद ही रख लेते हैं, मजा आ जाएगा, कोई फालतू नहीं बोलेगा पूरे लॉस सैंटोस में। जिससे चाहे उससे पंगे ले सकते हैं भाई, पूरी गैंग से पंगे ले सकते हैं, किसी से भी पंगे ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब गाड़ी 2 सेकंड भी नहीं टिक पा रही है भाई गाड़ियाँ। ये देखो ये गाड़ी गई, अभी रुको रुक जाओ, कोई गाड़ी आने दो मेरे सामने। जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है मान लो ये वाली गाड़ी है। हेलो ब्रो, ओ ओ ओ ओ, ओ बाइक वाले बंदे, तेरे अंदर जान है नहीं है बे, गोलियाँ चलाएगा तू और अपनी बाइक पे बैठ के गोलियाँ चलाएगा तू। ये ले तेरी बाइक गई बेटा। ओके अब जैसे वो ट्रेलर वाला भाग रहा है, ठीक है अब इसको पकड़ के देखना भाई कैसे ब्लास्ट करता हूँ मैं। ट्रेलर वाले ब्लो रुक जा तू, तू तो गया बेटे, कहाँ बच के जाएगा। और अब भाई गाड़ी तो इसकी पावरफुल है लेकिन बच नहीं पाया बेचारा। हेलो ट्रैक्टर वाले सर, कैसे हैं हालचाल आपके? बढ़िया होंगे लेकिन अब बढ़िया नहीं रहने वाले क्योंकि मैं आपके सामने आ चुका हूँ सर। बाकी गाइस तुम लोगों को आज की वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके आज नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कल आ रहा है गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी का फाइनल पार्ट, जिसको देखकर तुम लोगों को मजा आ जाएगा। यस कल आ रहा है तो रेडी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।